क्लास को स्टार्ट करता हूँ तो ये आयत का जो ट्रांसलेशन है रखता हूँ, और इसके ऊपर 100 times अल्लाह ताला ने वाजह तौर पे कहा है कि निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। कुरान एंड रिसर्च, मैं ट्रांसलेशन को पढ़ूंगा एट द स्टार्ट ऑफ वर्कशॉप। बिहोल्ड इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, इन द ऑपरेशन ऑफ द लाइट night and the day, in the sailing of the ships through the ocean for the benefit of mankind, in the rain which Allah sends down from the skies, and the life which He gives therewith to an earth that is dead, in the beasts of all kinds that He scatters through the earth, in the change of the winds and the clouds which they trail like the slaves between the sky and the earth. Har cheez ko discuss kar diya. इसके बाहर रिसर्च नहीं है, इसके बाहर रिसर्च नहीं है। लेकिन हियर इन डेटा साइंस फॉर अ पीपल दैट आर वाइज, जो लोग अकलमंद हैं, जो लोग सोचते हैं, जो लोग समझते हैं, आप तारीख उठा के देख लें, उन्हीं लोगों पे रेवल्यूशन हुई हैं जिन लोगों ने सोचा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली थी, 40 साल तक उनकी जिंदगी हमारी तरह की नहीं थी। दे वर द रिसर्चर, कोई तो है जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, जिसका सानी कोई नहीं है, कोई तो है, हर चीज में राज हैं, बेसिक लॉजिक्स वहां से मिलते हैं हमें। आप इससे पीछे चले जाए, अरिस्टोटल क्या कहता है, सॉक्रेट क्या कहता है, कंफ्यूशन क्या कहता है, सुंजू क्या कहता है, ये वो दौर है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले, अगर आप उससे पीछे चले जाए 1200 साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आज हम कहते हैं वी आर ऑन पीआईए, हम हवा में उड़ रहे हैं, बोइंग पे बैठे हैं, और उस वक्त उनकी फौज हवा में उड़ा करती थी। आज हम ये बात कह के इसके जस्टिफिकेशन देख देते हैं कि उनके पास जिन्नात थे, तो आप चले जाएं अहराम मिस्र के वक्त, आज भी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसी मशीनरी नहीं जो अहराम मिस्र के सब के ऊपर पड़ा हुए पत्थर को उठा के रख दे, कैसे वो लोग ले गए। हम अज्यूम करते हैं, हम अजम्पशंस देते हैं, लेकिन हम इस बात को शक नहीं करते हैं। आज अफसोस के साथ जो रिसर्च है वो बाउंड कर दी हम लोगों ने उस बाउंड्री में जिसमें कैपिटलिस्ट को फायदा होता है। टुडे गो आई वॉज डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स कि दुनिया में एक ऐसा भी पागल रिसर्चर गुजरा, फिजिशियन टेक्नोलॉजिस्ट, जिसका नाम टेस्ला है। उसने आज से 100 साल एग्जैक्ट पहले कहा था कि ऐसी गाड़ी बन सकती है जिसकी ग्रेविटेशन फोर्स खत्म होगी, उसको किसी किस्म की रिएक्शन नहीं मिलेगी, वो हवा में मूव करेगी, वो आसमान से जमीन पर गिरेगी, वो टकराएगी नहीं, पॉसिबल है। उसने पूरा कॉन्सेप्ट दिया, उसने वो मॉडल दिया, उसने वो रूल दिए, लेकिन कोई फंडिंग नहीं दी गई। उसे कॉन्सेप्ट दिया कि पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन होगी, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी, और इलेक्ट्रिसिटी भी उनको वायर के थ्रू ट्रांसफर नहीं करेंगे, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आज हम कहते हैं कि हमने मैग्नेटिक वायरलेस फील्ड क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा कर दी, वापस हो सकता है, लेकिन कैपिटलिस्ट ने एडिशन को सपोर्ट किया, फिर उनको फायदा था पेट्रोल पर गाड़ी चलने की वजह से, उनको फायदा था कि ये बल्ब बिकेंगे तो हम पैसे कमाएंगे। अफसोस कि ये जो रिसर्च है ये मजबूने नींद बन गई है वक्ती तौर पर उन लोगों की जो लोग कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट हमेशा रिसर्च जो लोग करते हैं उनमें से उठाते हैं, फायदा कैसे हो सकता है। हम 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक और दोस्त में से डिस्कस कर रहे थे, हम पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट करें, पाकिस्तान में जॉब कल्चर अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में अंडर एम्प्लॉयमेंट का कल्चर चल रहा है, हमें किसी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में होना चाहिए। तो बात करते करते हम भी कैपिटलिस्ट बन गए। उसने कहा एक अफ्रीका में एक स्टूडेंट है, उसने रिसर्च की, उसने एक सोप डेवलप किया है, फासो सोप है शायद, फासो या नाम इसमें टासो या फासो सोप है। अगर वो हम लोग सोप इस्तेमाल करेंगे शाम को सोने से पहले, हाथ धोते हैं, मुंह फेस वॉश करते हैं, तो हम लोगों का वो मलेरिया नहीं होगा, मच्छर नहीं कटेगा, मॉस्किटो लाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो रिसर्च प्रूव है। अब क्या है, आदमी रिसर्च दे दी तो मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, कैपिटलिस्ट ने उसको उठा लिया, अभी पूरी दुनिया में बेचेंगे, पूरी दुनिया में बेचेंगे।
ये राइट है कि जो बंदा रिसर्च करता है दुनिया में बिके, लेकिन ऐसी रिसर्च भी बिकनी चाहिए जो दुनिया नहीं सोच, जो दुनिया चाहती है लेकिन हम नहीं होते। पानी पे गाड़ी 1986 में आदमी ने चला दी थी, पाकिस्तान में भी पानी पे गाड़ी चली, लोग मानने को तैयार नहीं थे। हम भी किशोर में लोग मानने को तैयार नहीं थे। कुछ तो था, कुछ तो था, हमने इसको नहीं चलने दिया। पाकिस्तान में अभी भी लोकल जेट की प्रवीण नहीं कि आप अपना जेट रख सकते हैं, और बाहर जो अच्छी एग्रीकल्चर के लिए वो जेट यूज करते हैं, और वो यूरिया को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पानी देने के लिए, इंसेक्ट के लिए, मेडिसिन को देने के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे एवेन्यूज ओपन नहीं किए गए, इसके प्रो एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो मैं बात खत्म करता हूँ कि हियर इनडीड अ साइंस फॉर द पीपल हु आर वाइज। अब जब सोचने की बात आती है तो दो तरह की थिंकिंग है। पहली थिंकिंग ये है कि आप लोगों के एटीट्यूड को देखते हो, उनके वर्ड्स को, उनकी वीडियोस को, उनके साइंस को देखते हो और सर्च करते हो क्वालिटेटिव रिसर्च। उसके अपोजिट साइड में आप लोग जब उनके एटीट्यूड को किसी ना किसी स्केल के जरिए उनकी वैल्यू ले लेते हो, हाउ यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द एनवायरमेंट ऑफ दिस क्लास, प्लीज रैंक योरसेल्फ अमंग 1 टू 10 फ्रॉम स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली कंफर्टनेस टू स्ट्रांगली डिसकंफर्टनेस। तो आप उसमें जब टिक करेंगे तो वी आर ट्राइंग टू गेट सम वैल्यू, किसी को नंबर पे कन्वर्ट करेंगे। जब वो नंबर आ जाएगा होगी वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च, लेकिन वो जब वो नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगी हम उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इसी बारे में एक बहुत फेमस कोट है प्रोफेसर फ्रेड किलिंगर की, देयर इज नो सच थिंग एज क्वालिटेटिव डेटा, एवरीथिंग इज आइदर वन और जीरो। अगर मैं ज्यूम कर लूं कि मैं क्वालिटेटिव रिसर्चर नहीं हूं, ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया का हर फंक्शन 0-1 पे समाया हुआ है। कंप्यूटर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ आवर माइंड, हम जिस तरह हमारा जहन काम करता है वैसे कंप्यूटर काम करता है, वो 0-1 पे काम करता है। लाइक ऑन 1, लाइक ऑफ 0। एक सिंपल बेसिक स्टेप बता रहा हूं। अब दुनिया का कोई भी काम निकाल लें वो 0-1 पे खत्म होगा। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो 0-1 का स्ट्रक्चर है। फॉल्स 1, राइट 0, आप उसको अपोजिट भी ले सकते हैं। तो आप जितनी भी वर्किंग करें, हाँ भाई मैं वर्कशॉप पे जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं 1-0-1। हाँ भाई LSM के रूम में जाऊं कि ना जाऊं, 2-1। हाँ भाई मैं इसके से सीखूं कि ना सीखूं। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन ऊपर जाती जाएगी वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। एटलीस्ट दुनिया की तमाम रिसर्च 0-1 पे खत्म होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं, क्योंकि वो इसका बिलीव है कि क्वालिटेटिव को भी हम आखिर पे क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि जब थ्योरी डेवलपमेंट की बात आती है तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च को डिस्कस करते हैं, जब थ्योरी को टेस्ट करने की बात आती है हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। तो जो आज से पहले, आज से 30-40 साल पीछे चले जाएं, तो जो रिसर्च उस वक्त फोकस था वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पे था। वहां पे थ्योरीज मौजूद थी, इंसेस्टर्स ने थ्योरियां बनाई थी और लोगों ने उन थ्योरी को टेस्ट किया। वक्त के साथ साथ इतनी ज्यादा रिसर्च मैच्योर हो गई, लोगों ने कहा कि थ्योरी के अगेंस्ट में ये थ्योरी भी पाई जाती है। इसलिए वो थ्योरी प्रेजेंट की, उसने कहा आई एम ए क्वालिटेटिव रिसर्चर, मैंने थ्योरी टेस्ट नहीं की बल्कि मैंने थ्योरी को जनरेट किया है। तो आज हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टेस्ट ए थ्योरी, हाउ टू टेस्ट ए थ्योरी। 0-1 की बात करेंगे हम लोग। तो एक बड़ी फेमस कोट मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये क्रीमियन वर्ल्ड वार 1857 से पहले जब यहाँ पे जंग आजादी थी, उस वक्त क्रीमियन वर्ल्ड वार चल रही थी यूरोप और ब्रिटानिया की, तो उसमें ये औरत जो थी वो नर्स थी, और शी इज द गुरु एंड द पायनियर इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक रिसर्च। उसने एक बात कही जो तारीख में सुनहरे रूप में लिखी जाती है और मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूं, टू अंडरस्टैंड गॉड्स थॉट्स वन मस्ट स्टडी स्टैटिस्टिक्स, टू अंडरस्टैंड गॉड्स थॉट्स वन मस्ट स्टडी स्टैटिस्टिक्स फॉर दीज आर द मेजर ऑफ हिज पर्पस। ये अल्लाह का वो जो मकसद है उसको मेजर करना स्टैटिस्टिक का नाम है, जो हम लोगों को आज तक अप्लाई स्टैटिस्टिक के बारे में बात नहीं की। हमें प्योर स्टैटिस्टिक्स सिखाई गई है, हमें यह सिखाया है व्हाट इज मीन सुमेशन एफएक्स ओवर सुमेशन एफ, व्हाट इज हार्मोनिक मीन, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन,
what is correlation of coefficient summation x square summation y square plus summation x y square under root summation x y plus summation x square summation y square under root 2 blah blah blah. It's not my duty, it's the duty of the mathematician. I'm a social scientist. हम लोगों को उन लोगों ने स्टैट पढ़ाने पे लगा दिया. हमें चाहिए था कि ये होती क्या है, मीन का फायदा क्या है, इस मीन से हम डेटा कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें नहीं सिखाए गए. मैंने एमकॉम तक स्टैट पढ़ी, मैंने एसएस में पढ़ी, बीकॉम में पढ़ी, एमकॉम में पढ़ी, एमफिल में स्टैट पढ़ी. आई एम नॉट गुड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेरे सबसे कम ग्रेड क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि मेरा कंट्राडिक्टिव वर्क होता था. ये नहीं कह रहे आप, मैं ट्रिप गया. आज वैसे मेरे बड़े अच्छे उस्ताद हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ड्यू टू माई टीचर डॉक्टर मोहम्मद शकील, टीम ऑफ डॉक्टर अली साजिद. तो जब मैं क्लास में उनके साथ पढ़ता था तो मेरे से कंट्राडिक्शन होते थे. मैं कहता ये आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे से तो लगने ये सिखाएंगे. तो उस वक्त तो और चीजें थी, जब क्लास खत्म हो गई इसमें पास हुआ तो पता चला कि दुनिया में अगर कहीं पे कोई रिसर्च है तो इन्हीं के कदमों में है. तो यकीन जाने टिल टू डेट आज तक वो मुझे सपोर्ट करते हैं. उनकी वजह से जब भी मेरे दिन में क्वेश्चन होते हैं, मेरे कुछ प्रोफेसर हैं बोर्ड में हैं, कुछ बाहर हैं, मैं उनके साथ क्वेश्चन को शेयर करता हूँ, आइडिया को शेयर करता हूँ. एटलीस्ट आंसर रिजेक्ट नहीं मिलता लेकिन रास्ता जरूर बता देते हैं कि इस रास्ते पे चलोगे तुम अपने आंसर तक पहुंच जाओगे. तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो अप्लाइड साइड पे नहीं है, शी इज द गुरु, और हम लोगों ने अप्लाइड स्टेटिस्टिक को सीखना है. हम स्टैट को अपनी अपनी फील्ड में, यहाँ इस वक्त इस क्लास के अंदर साइकोलॉजी के लोग हैं, यहाँ मेडिकल के लोग हैं, यहाँ जियोलॉजी के लोग हैं, यहाँ केमिस्ट्री के लोग हैं, यहाँ इंजीनियरिंग के लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं. हर एक ने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है वो अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है. अब यहाँ पे जरूरी है हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को सीखें. तो हमारा आज फोकस होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे बैठे लोगों से, क्योंकि मैं इन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये बिलीव करता हूँ और इस अजम्पशन के साथ इस सेशन को कंटिन्यू करूंगा, यू पीपल नो व्हाट इज रिसर्च, यू नो व्हाट इज रिसर्च, पता है कि नहीं पता. बस ये समझ लीजिए रिसर्च, रिसर्च चीजों को दोबारा से तलाश करना, चाहे दुनिया में थ्योरी. आइंस्टाइन ने कह दिया था E is equal to MC square, लेकिन आज उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया. दुनिया ने कह दिया था 1 + 1 = 2, लोग कहते हैं नो 2 + some error, कुछ एक्सटेंशन होती है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 2016 365 दिन, 365 दिन और 1 सेकंड का साल था, 2016 365 दिन 1 सेकंड का था. हम लीप ईयर के बारे में जानते हैं कि हर चौथे साल फरवरी जो है वो 29 का होगा, और इस तरह ये इसका ईयर का नहीं कंसर्न पता, लेकिन 2016 365 दिन प्लस 1 सेकंड का था. इट मींस कि देयर आर सम एरर इन आवर कैलकुलेशन, जेनेटिक साइन चेंज कर दी इन लोगों ने, उसको बिना के पहले वो 12 थी, अब उन लोगों ने 13 कर दिया. आप लोगों तब्दीली आ रही है, अगर हम रिसर्च ना करते तो कभी भी तब्दीली ना आती. तो रिसर्च का मतलब है कि हम लोगों ने जो पहले की बनी बनाई थ्योरियां हैं उनको भी चैलेंज करना है. इसके लिए जरूरी नहीं है यू शुड बी पीएचडी, इसके लिए जरूरी नहीं है यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट, आपके लिए 90 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. दुनिया में आज भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन लोग कहते हैं हल नहीं होती, लेकिन 10वीं क्लास के बच्चों ने वो हल किए हैं. इम्पॉसिबल डजंट मीन इट्स टोटली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन दिस थ्योरी हैज नॉट बीन टेस्टेड येट, किसी ने कोशिश ही नहीं की इसको करने के लिए. जब वो बंदा कोशिश करेगा दैट विल बी पॉसिबल. लोग हैं, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब को बनाया वो ये नहीं कहता था कि मैं 101 दफा फेल हो गया बल्ब को बनाने के, उसने बोला कि आई फाउंड 101 वेज के इस रास्ते पे जाओगे तो ये चीज नहीं मिलेगी. तो रिसर्च मीन आप किसी भी कॉन्सेप्ट को दोबारा से दोबारा से, अगर एक ही रिसर्च पेपर को पूरी क्लास करेगी, शर्त यह है कि आपस में डिस्कस ना करें, तमाम के तमाम लोग डिफरेंट थ्योरीज लेके आएंगे. हमारा प्रॉब्लम यह है हम बायस हो जाते हैं, और बायस होने की बिना पे क्या होता है कि हम लोग इंडल्ज हो जाते हैं, हम शिकार हो जाते हैं उन चीजों का जो रिसर्च में नहीं होनी चाहिए. रिसर्चर की एक ही क्वालिटी चाहिए हम लोगों को, ही शुड बी या शी शुड बी टोटली अनबायस्ड, उसमें किसी किस्म की बायसनेस हो, वो इंडिपेंडेंट काम करे चाहे उसके ऊपर जितना भी इन्फ्लुएंस हो.
जब वो इंडिपेंडेंट काम करेगा उसकी रिसर्च लिखेगी, आज लोग एक्सेप्ट करेंगे, एक दिन लोग उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसा होता है। हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। सो सेकंड इज व्हाट इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक इज प्योर मैथमेटिक फील्ड। अप्लाइड स्टैटिस्टिक हम स्टैट को अप्लाई करते हैं अपनी सेटिंग में। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, आई एम अप्लाइंग स्टैटिस्टिक इन माय ओन फील्ड। इज शी द स्टूडेंट ऑफ ए मेडिकल मेडिसिन एंड शी इज अप्लाइंग इन ऑल सेटिंग, one of psychology, one of engineering management, one of journalism, one of library science. तो तमाम लोग अपनी अपनी setting में stat को जब apply करेंगे, that statistic will be called applied statistics. And the nature of quantitative research, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि what is the nature. तो थोड़ा सा quantitative की मैं definition दे दूं. Quantitative research involves analysis of numerical data. आप न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं इसके अंदर, इसमें प्योर न्यूमेरिक्स इन्वॉल्व है, इसमें कोई भी स्ट्रिंग इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी अल्फाबेट्स वर्ड इन्वॉल्व नहीं है। इन नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना वाया स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। अब मैथ के जरिए, स्टैट के जरिए मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो नेचर की बात है ये थोड़ी सी समझ लें ताकि हमारी बेस बनना शुरू हो जाए। जो बिगिनर्स लोग थे, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द मीन फॉर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव थ्योरीज बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हम थ्योरीज को टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव थ्योरीज। ऑब्जेक्टिव थ्योरी का मतलब यह है कि ऐसी थ्योरीज जो हमारे ऑब्जेक्टिव में शामिल है कि मैं या तो प्रूव करूंगा या डिप्रूव करूंगा, या तो थ्योरी सपोर्ट होगी सेटिंग में या सपोर्ट नहीं होगी। अगर मैं ये थ्योरी प्रूव करता हूं कि प्रमोशन लेने से जॉब सेटिस्फेक्शन में इजाफा होता है, ये मेरी थ्योरी है, लेट मी सपोज, या तो ये थ्योरी आपसे डाटा लेने के बाद प्रूव हो जाएगी, सपोर्टेड हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, नॉट सपोर्टेड। क्वांटिटेटिव में एक ऑब्जेक्टिव लेते हैं, आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव सोच लें, आप सोच लें ऑब्जेक्टिव के मेट्रो स्टेशन के बनने से पाकिस्तान में तरक्की होती है तो आप बना सकते हैं, हम उसको नेगेटिव ले इस ओवर फीलिंग्स ओवर पैराडाइम, उसमें फिर आपकी फिलोसफिकल अजम्पशंस आती हैं कि आप दुनिया को देखने का स्टाइल कैसा है, आप दुनिया को वैसा देखते हो जैसा दुनिया नजर आ रही है या वैसा देखते हो जैसे आपके जहन को मोल्ड किया गया है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी। आप लोगों को चीजों को सीखना पड़ना है, आप लोगों को अपने माइंड में रिसर्च को बनाना पड़ना है। तो मैं पहले कह चुका कि ये फिलॉसफी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस क्लास, ये आपकी थ्योरी है। मैं यहाँ आपके जहन में जो भी रिलेशनशिप आप प्रपोज करते हो, जो भी रिलेशनशिप आपके माइंड में है, उसको प्रूव करने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे प्रूव करते हैं। और प्रूव करने में क्या होता है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रमोशन एक वेरिएबल है, जॉब सेटिस्फेक्शन दूसरा वेरिएबल, मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट एक वेरिएबल है, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी दूसरा वेरिएबल है। इसी तरह जब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करेंगे फिर एक तरफ ज्यादा वेरिएबल आते जाएंगे, दूसरी तरफ ज्यादा आते जाएंगे। जो हम लोगों के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नाम देते हैं, जो अपोजिट साइड पे जिस रिलेशनशिप पे अफेक्ट आ रहा है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स का नाम देते हैं। तो थ्योरी वेरिएबल्स पे मुश्तमिल होती है। अगर आपको अपनी स्टडी के वेरिएबल्स के बारे में पता है तो आप रिसर्च मुकम्मल कर चुके हैं, सिर्फ आपको स्टेप दिखाना है, आपको ये बताना है कि आप इस चीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डेवलपमेंट आएगी। दीज वेरिएबल्स इन टर्न, वो जो वेरिएबल आपकी स्टडी में शामिल है, अभी मैं कौन से वेरिएबल लेकर चलता हूं, पे का पॉजिटिव इंपैक्ट है, जॉब सेटिस्फेक्शन मेरी थ्योरी है, ये प्रूव हो चुकी है। मैं फिर आपके समझाने के लिए, पे एक वेरिएबल है, जॉब सेटिस्फेक्शन दूसरा वेरिएबल है, कहता है दीज वेरिएबल इन टर्न कैन बी मेजर्ड। और लोग कहते हैं हाउ वी मेजर द जॉब सेटिस्फेक्शन, इट कैन बी मेजर्ड। ये भी एक लैदा स्केल डेवलपमेंट प्रोसेस, एक लैदा चीज है, एक लैदा रिसर्च है। और जो लोग प्राइमरी डेटा पर सर्च करते हैं उन्हें पता है कि किसी भी वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको क्वेश्चन बोलेंगे, कंस्ट्रक्ट्स बोलेंगे, उनको इंडिकेटर्स बोलेंगे।
वो मैयर किया जाता है वेरिएबल पे। आपने जब भी लोगों से किसी भी वेरिएबल पे डाटा लेना है, वो जो डाटा जिस फार्मूले पे लेते हैं, अगर मैं जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करूं तो उसके कुछ 12 क्वेश्चन है। आर यू सेटिस्फाइड विद द जॉब, जो जॉब इफ वी ट्रांसफर टू इन अदर डिपार्टमेंट, आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, इफ वी मूव यू इन द इंडी शिफ्ट, आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब, इट मीन वी आर ट्राइंग टू चेक द जॉब सेटिस्फेक्शन, वी आर ट्राइंग टू चेक द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जॉब सेटिस्फेक्शन का जो स्केल है, वो जो मेजरमेंट टूल है, वो क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम रिसर्च करते हैं थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल डाइट, मैं अपना वेट लूज कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली मेरा, मैं चाहता हूं कि डाइट का मेरे वेट पे क्या इंपैक्ट है। डाइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेट डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डाइट होगी कि मैं डाइट कौन सी खाता हूं, डाइट के मुख्य किस्म होंगे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, या ये सोच लेते हैं कि पहले महीने में टोटली कार्ब पे डाइट की, दूसरे महीने में वेजिटेबल्स पे रहा, तीसरे मंथ में मैं दूसरी तरफ जो जिसमें विटामिन ज्यादा होते हैं उसकी तरफ चला गया। तो अल्टीमेटली पहले महीने में मेरा वेट क्या था, दूसरे माह में मेरा वेट क्या था, तीसरे माह में वेट क्या था, डाइट के साथ वेट मेजर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेजरमेंट वेट है। अगर आप ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा टूल अच्छा टेम्परेचर मेजर करता है, वो स्टिप मेजर करती है, वो थर्मामीटर मेजर करता है, वो आपकी जो पल्स की जो स्पीड है वो मेजर करती है, वो आप लोगों ने मेजर करनी है मुख्य चीजों का। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आएंगे वहां पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां पे जिसका थर्मामीटर बात कर रहा हूँ, जियोलॉजी वालों का मुख्य पैरामीटर्स है चीजों को मेजर करने के लिए, जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं इनके मेजर करने के लिए क्वेश्चन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। दीज वेरिएबल इन टर्म कैन बी मेजर टिपिकली ऑन इंस्ट्रूमेंट सो दैट नंबर डेटा कैन बी एनालाइज यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। आपको पता होना चाहिए आपका वेरिएबल कौन सा है, आपको पता होना चाहिए मेरे वेरिएबल पे डाटा कैसे कलेक्ट होगा, ये आपकी बेसिक असम्पशन लेके चल रहा हूं मैं। आपको पता हो मेरे पास डाटा कैसे आएगा, मैं सिखाऊंगा उस डाटे पे एनालिसिस क्या है। अभी हम बात करें, आपको पता हो डाटा कैसे आएगा। द फाइनल रिटन रिपोर्ट एज ए सेट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, थ्योरी, मेथड्स एंड डिस्कशन, ये एक तरीकाकार है पेपर कैसे होता है। दोज हु एंगेज इन दिस फॉर्म ऑफ इंक्वायरी हैव असम्पशन फॉर टेस्टिंग थ्योरी डिडक्टिवली। दो किस्म की असम्पशन होती हैं, इंडक्टिविज्म, डिडक्टिविज्म। इंडक्टिवली इंडक्शन, इंडक्शन रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च, डिडक्टिविज्म डिड्यूस, इट मीन रिलेटेड टू टेस्टिंग द थ्योरी। तो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव रिसर्च है, हम यहाँ थ्योरी को टेस्ट करते हैं। बिल्डिंग इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस, बायस हम नहीं होने देंगे। कंट्रोलिंग फॉर अल्टरनेट एक्सप्रेशन एंड बीइंग एबल टू जनरलाइज एंड रेप्लिकेट द फाइंडिंग। नो डाउट कि आप जब रिसर्च करते हो आपको उसके अंदर बड़े सारे ऑप्शन ऐसे आते हैं जिसमें आपका ख्याल होता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, लेकिन रिसर्च शुड बी कंट्रोल। हमें एक वक्त में एक ऑब्जेक्टिव चलना है। इफ आई एम कंसर्निंग अबाउट कि पे का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन पे कि नहीं, इसके अलावा तो प्रमोशन भी है, इसके अलावा तो एनवायरमेंट भी है, इसके अलावा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट भी है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स भी है, बट माय फोकस इज पे टू जॉब सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब मुझे बाकी के साथ फोकस नहीं करना, मुझे इसी रिलेशन के ऊपर फोकस करते हुए चलना है। नेक्स्ट, द एम टू क्लासिफाई फीचर, काउंट देम एंड कंस्ट्रक्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल इन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। हम जो स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे इसका बेसिक एम क्या होगा कि हमने जो थ्योरी डेवलप की, जो मॉडल हम लोगों ने अपने जहन में बनाया, वो क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये कौन बताता है? स्टैटिस्टिक बताता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च बताती है कि आपने जो भी सोचा था उसके रिजल्ट क्या कहते हैं। रिसर्चर नो क्लियरली इन एडवांस व्हाट ही शी इज लुकिंग फॉर। पूरा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया इस बात से डिसएग्री करेगी। मैं डाटा फिल करवाता हूं, मुझे पता होता है कि ये बंदा क्वेश्चन ठीक फिल कर रहा है, गलत फिल कर रहा है। मोस्ट सीनियर पीएचडी मेरे साथ कंसल्टेंट वर्क करते हैं कि आदिल बिलाल ये क्या हो गया, तुम तो बायस हो, तुम्हें तो पहले से पता है कि बंदे ने कौन सा रिस्पॉन्स फिल करना है। वो मैं, भाई मैं सोशल साइंटिस्ट हूँ, क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक करेक्टरिस्टिक है, उसको पहले से पता होता है कि मेरी थ्योरी के अंदर क्या होगा। या तो लोग मेरी थ्योरी से एग्री करेंगे या तो लोग मेरी थ्योरी से डिसएग्री करेंगे, यहाँ न्यूट्रल का ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर एक आदमी को मैं 6 क्वेश्चन देता हूँ जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर, मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन बताओ तुम जॉब से सेटिस्फाई हो कि नहीं, वो कहता है 7 का वेरी सेटिस्फाइड, सेकंड क्वेश्चन में कहता है वेरी सेटिस्फाइड, और थर्ड क्वेश्चन में कहता है नॉट सेटिस्फाइड। बात यह है कि हमारी जो बिजनेस की रिसर्च है ये साइकोलॉजी से मिलकर बनती है। हम साइकोलॉजी वालों के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इस वेरिएबल में मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है 6 मुख्तलिफ अंदाज से।
ताकि मैं लोगों से मंजूर करवा सकूं। ये समझने के एक निकाह वाली बात है। हाँ भाई कबूल है मुन्ना, है कबूल है जी। अब मैं कहता हूँ उसमें भी सेवन लेटर स्केल दे दो ताकि पता चल सके फाइव नंबर कबूल है, सिक्स नंबर कबूल है, कितना कबूल है। हमें बस दो ऑप्शन है, यस और नो। डिकॉटोमस, डिकॉटोमी वेरिएबल, यस और नो, कबूल है जी, कबूल है जी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए, वैलिडिटी के लिए आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो कहने का मकसद यह है कि जब क्वेश्चन पूछते हैं लोगों से, तो इसका मतलब है एक वेरिएबल पे छह मुख्तलिफ दाब में एक ही क्वेश्चन पूछा, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि जब स्ट्रांगली एग्री किया है तो सेवन ही सिक्स कर ले, सिक्स नहीं फाइव कर ले, वो न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। अगर उसने पहला क्वेश्चन पॉजिटिव टिक किया, उसके नेक्स्ट सारे क्वेश्चन पॉजिटिव सिनेरियो में होने चाहिए। अगर मेरी बात मानो तो अपने क्वेश्चन में से न्यूट्रल का वर्ड निकाल दो, न्यूट्रल कोई रिसर्च नहीं होती, जो न्यूट्रल ऑप्शन दे रहा है वो बंदा पढ़ के क्वेश्चन फिल ही नहीं करता। तीन इस तरह ऑप्शन, तीन इस तरह ऑप्शन न्यूट्रल निकाल दो, पेपर में शो कर देना मान लो सेवन, और ऑप्शन रखा कि गेज इस तरफ जा रहा है, गेज इस तरफ जा रहा है। न्यूट्रल ऑप्शन किसी के लिए नहीं होता, और बहुत से रिसर्चर कहते हैं न्यूट्रल को निकाल दे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, स्पेसिस गेज करता है, स्पेसिस दोनों के डेविएशन को ग्रुप करेगा। अगर एक आदमी आपके क्वेश्चन पे सेवन पे टिक करता है, उसके बाकी क्वेश्चन को फाइव या सिक्स पे टिक करना चाहिए। अगर वन टू टू पे टिक करता है, या तो आपका इंस्ट्रूमेंट गलत है, या आप लोगों को उस रिस्पॉन्डेंट को क्वेश्चन की समझ नहीं आई, या तीसरा ऑप्शन क्या होता है, हम ये चेक करने के लिए कि हमारे पास रिस्पॉन्डेंट पढ़ के क्वेश्चन फिल कर रहा है नहीं कर रहा, हम लोगों को रिवर्स क्वेश्चन देते हैं। वो रिवर्स क्वेश्चन का मतलब यह है, अगर उसने पहले क्वेश्चन पे सेवन किया है तो रिवर्स क्वेश्चन को उसे माइनस वन पे जाना चाहिए। अगर उसने भी सेवन पे टिक कर दिया, इसका मतलब उसने पढ़ के फिल नहीं किया। ये हमारी एक टेक्निक है कि हम तीन क्वेश्चन पॉजिटिव डायरेक्शन में और तीन क्वेश्चन हम नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर फिल करते हैं। तो ये हमारी टेक्निक है रिवर्स क्वेश्चन। लेकिन अगर फर्ज करें तमाम के तमाम क्वेश्चन पॉजिटिव डायरेक्शन पे है आप लोगों के, तो आपके रिस्पॉन्डेंट को सेवन पे टिक किया तो नेक्स्ट फाइव सिक्स पे टिक करना चाहिए। अगर वो वन टू पे टिक करता है, या आपको समझ नहीं आई, या आपका क्वेश्चन ठीक नहीं बना हुआ, तो मैं इस बात के साथ स्टैंड करता हूँ, रिसर्चर नो क्लियरली इन एडवांस व्हाट ही शी इज लुकिंग फॉर। क्योंकि ये लिटरेचर से थ्योरी बनाते नहीं हम लोग, लिटरेचर से थ्योरी निकालते हैं। कि लिटरेचर ये बात करता है तो इसका मतलब हम इस थ्योरी को टेस्ट करेंगे, मेरी थ्योरी या प्रूव होगी या नहीं प्रूव होगी। तो रिकमेंडेड ड्यूरिंग लेटर प्रोफेसेस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के यहां बाद में हम रिकमेंड करते हैं इसको, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइन बिफोर डाटा इज सिलेक्टेड। हमें देखना होता डाटा कैसे सिलेक्ट करें। यकीन जानिए अभी एक रिसर्च में स्टूडेंट कर रही है, उसका डाटा फिल नहीं हो रहा था। अब उसका क्या स्ट्रेटजी है कि हम उसको कहते हैं पहले जाओ उन लोगों को डिस्प्ले करो, उन लोगों को पास बैठे इस क्लास में, हम उनको पहले वीडियो दिखाते हैं, वीडियो दिखा के उनका माइंड बनाते हैं, माइंड बनाने के बाद फिर हम उसे क्वेश्चन फिल करवाते हैं, अच्छा रिस्पांस आता है। अगर वीडियो ना दिखाते तो अच्छा रिस्पांस कभी भी ना आता। इसका मतलब आप जो मतलब जिस हद तक जा सकते हो डाटा पर, याद रखिए थ्योरी ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं, थ्योरी टेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं, मुश्किल बात है कि आपके पास डाटा जेन्युइन होना चाहिए। और डाटा जेन्युइन तब आता है जब आप डेली लोगों की फीलिंग से खेल के डाटा लेके आए हो, वो तब जाएंगे जब आप लोगों को सिनेरियो देंगे। हम लोग क्या करते हैं जब पांच क्वेश्चन पूछते होते हैं, ऊपर लिख देते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, ये पांच क्वेश्चन फिल कर दो। मैं कहता हूँ ये जॉब सेटिस्फेक्शन लिख के जुल्म ना करो अपनी रिसर्च में, जॉब सेटिस्फेक्शन को एक्सप्लेन करो इस अंदाज में कि वो बंदा समझे कि मैं इस सिनेरियो पे जाके इसे क्वेश्चन फिल करूंगा। अगर आप उसका पहले से माइंड कैप्चर नहीं करेंगे, वो कभी भी आपको राइट आंसर नहीं देगा। So researchers use tools such as questionnaire equipment to collect numerical data. Data is a form of number and statistics. Ultimately, quantitative research आपके पास number format में आती है. Objective sees precise measurement analysis of target concept. Use survey questionnaire से data लेते हैं. Quantitative data is more efficient, able to test hypothesis, but may miss contextual detail. होता क्या है? Quantitative data में हम लोग data collect तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें हम एक आदमी है. Are you satisfied with your job? उसका बात सामने खड़ा है जी सर, इट मीन वो कुछ कहना चाह रहा है, इट मीन कुछ ना कुछ उसके पीछे छुपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कॉन्टेक्स्ट को भी देखना है, आपने एनवायरनमेंट को भी देखना है। तो क्वांटिटेटिव में जो फीलिंग्स होती है ना, उनकी वैल्यू नहीं है, क्वांटिटेटिव में नंबर की वैल्यू है। मिक्स मेथोडोलॉजी आ गया इसका था। तो रिसर्चर टेंड टू रिमेन ऑब्जेक्टिव सेपरेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। आपने रिसर्च से अलहदा रह के काम करना है, अपने आप को रिसर्च करनी आपने, लेकिन अपनी जाती राय शामिल नहीं करनी। आपको पता चलता है कि ये कंपनी में इंप्लाई फ्लांस से मेरी लड़ाई अच्छी नहीं है, तो आप क्या करें उसका क्वेश्चन देखें, इसमें तो लिखा सेटिस्फाइड, आप एक और क्वेश्चन फिल करें नॉट सेटिस्फाइड, आपने इंप्लाई फिल किया। इट
आपको अपने आप को साइड पे रखना है और न्यूट्रल होके चलना है, नॉट टू बी बायस्ड। ओके जी, हमारा आज एक बेसिकली क्वांटिटेटिव के फीचर्स थे, किसी को इशू इसमें ये बेसिक था कि आपको डेप्थ में बताया जाए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के फायदे क्या है। मैंने इसको 2-3 स्लाइड में सम अप किया। कहेंगे तो मैं 10-15 बोल सकता हूँ इसके ऊपर, डेप्थ में जाके बात कर सकता हूँ। किसी के ज़हन में क्वेश्चन है प्लीज डू शेयर विद मी सर। बात ये होती है कि जो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे पहले कहा कि मेजरमेंट टूल क्या होता है। आपको टेम्परेचर मीटर दिया जाता है आपका फीवर मालूम करने के लिए। हम पहली दफा फीवर मतलब रखते हैं मुंह में रखने वाला पुराना इंस्ट्रूमेंट है 96 इसका मतलब जितनी दफा टेम्परेचर मीटर या जितनी दफा स्लिप लगाएंगे उसे हमेशा वो 104 और 103 कर देगा, 102 कर देगा। अब जब लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं वो 7-6 कर दे यार। अब 6 का मतलब ये नहीं कि 1 पे चला जाए, इसका मतलब ये कि आपके इंस्ट्रूमेंट में इशू है, आपके इंस्ट्रूमेंट सही कंपाइल नहीं किया होगा। लेकिन मेरा ये है कि बेशक उसका आंसर कुछ भी हो, लेकिन हमें एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन का डेटा किस तरफ में जा रहा है। या वो जिस तरह भी आप लोग उसको यूज करेंगे वो रेंज पे डिपेंड करता है आपके आपकी रेंज कौन सी है, वो रेंज पे डिपेंड करेगा। आप उसकी जाके वहां से मालूम कर सकते हैं। प्रीवियस रिसर्चर ने जहां पे ये मॉडल प्रूव हुआ वहां लोगों ने रिस्पांस क्या दिया, और जहां पे मॉडल प्रूव नहीं हुआ वहां लोगों ने रिस्पांस क्या दिया। तो वहां से आप एक सैंपल क्वेश्चन फिल कर सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि आपका वही रिस्पांस आए। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखेंगे बंदा क्वेश्चन ऐसे साइड पे खड़े हो जाए, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन बोलते हैं ना, जिसका मतलब आप साइड पे खड़े हो जाए उसको देखते रहे बंदा फिर कैसे कर रहा है। अगर तो वो गलत फील कर रहा है तो आप उससे ये ना कि आपने गलत फील किया, तो आप क्यों समझते हैं कि ये स्ट्रांगली डिसएग्री है, क्योंकि मुझे पता है अगर वो ऊपर में तीनों स्ट्रांगली एग्री है तो नीचे में स्ट्रांगली डिसएग्री भी, या उसको समझ नहीं आई या मेरा इंस्ट्रूमेंट गलत है, तो उसमें पूछना मेरा राइट है। लोग कहते हैं ये गलत बात है, सर मैं नहीं मानता वो गलत कर रहा है, फिर मेरी टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, उसका मतलब मैं पूछना बनता है। हो सकता है कि वो स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हो, फिर आप उनका कोशिश करें कि आप अपना क्वेश्चन जो है वो किसी साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, साइकोलॉजिस्ट को क्या मेरे क्वेश्चन पे एक नॉर्मल बंदा कौन सी एजुकेशन वाला बंदा रिस्पांस देगा, एफए वाला, बीए वाला, एमए वाला, ये बताते हो इसमें ये एजुकेशन लेवल हम लोगों को दरकार है। इस तरह के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो क्वेश्चन फिर होगा, वरना डेटा फिर नहीं होगा। ओके जी, वो जरूरी।